Welcome students, welcome to the learning class. Now open your new Oxford Modern English book 3. As you know, today we start with the next lesson, lesson number 3, My Early Home. Open your page number 26. Let's start with the words to know. अब ये story किसके बारे में, My Early Home? ये एक जो है horse का जो baby है वो अपनी story सुना रहा है कि उनका पहला घर किस तरह से था. ठीक है, now let's start words to know. Box, hit, brook, a small stream, छोटी नदी, called, a young male horse, यानी कि जो हॉर्स का बेबी है, घोड़े का बेबी है, ग्लॉप, द फास्टेस्ट पेस ऑफ अ हॉर्स, गिग, अ लाइट टू व्हील्ड कैरिज, लॉर्डिंग, लिविंग स्पेस, मेडो, अ ग्रास कवर्ड फील्ड, यानी कि घास से भरा हुआ जो है खेत, प्लो, टू डिग अप ऑन एरिया टू मेक इट रेडी फॉर प्लांटिंग, रशेस, प्लांट्स, वेल ब्रेड, हैविंग और शोइंग गुड मैनर्स, बीइंग ऑफ गुड क्वालिटी, विन, पास्ट टेंस ऑफ विनी, अ नॉइज हॉर्सेस मेक, यानी कि जो हॉर्स जो है नॉइज मेक करते हैं उसे कहते हैं विनिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेम्बर वाज अ लार्ज प्लेजेंट मेडो विद अ पाउंड ऑफ क्लियर वाटर इन इट, यानी कि पहले वो अपना बता रहा है कि मैं पहले, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं पहले घर में रहता था वहाँ पर एक हमारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत और लार्ज प्लेजेंट जो है मेडो था, एक बहुत बड़े घास वाले जो प्लॉट है खेत है उससे भरा हुआ था और बहुत बड़ा था और उसके करीब ही एक साफ पानी का तालाब भी था. सम शेडी ट्रीज लीड ओवर इट, और कुछ घास वाले जो दरख्त हैं वहाँ पर उगे हुए थे. एंड ब्रशेज एंड वाटर लिलीज ग्रू एट द डीप एंड, और गहराई में वाटर लिलीज जो हैं वहाँ पर उस तालाब में उगे हुए थे. ओवर द हेडेज ऑन वन साइड वी लुक इंटू अ प्लॉग फील्ड, और एक किनारे से हम देख सकते थे खेतों को. एंड ऑन द अदर वी लुक ओवर अ गेट एट आवर मास्टर्स हाउस, और दूसरी तरफ से हम दूसरे किनारे पर हम अपने मास्टर के घर का गेट देख सकते थे. वी स्टूड बाय द रोड साइड, जो कि रोड साइड पर था या रोड के किनारे पर था. एट द टॉप ऑफ मेडो वॉज अ ग्रोव ऑफ फायर ट्रीज, और मेडो जो था यानी कि वो जो खेत था घास वाला वो फायर ट्रीज के साथ भरा हुआ था. एंड एट द बॉटम अ रनिंग ब्रूक ओवरहंग बाय अ स्टीप बैंक, और गहराई में भागने के लिए एक किनारा था बना हुआ. व्हाइल आई वॉज यंग, जबकि मैं छोटा था, आई लिव्ड अपॉन माई मदर्स मिल्क, और मैं अपनी अम्मी का दूध पीता था. As I could not eat grass, क्योंकि मैं घास नहीं खा सकता था. In the daytime, I ran by her side, and at the night, I lay down close by her. दिन के वक्त मैं अपनी अम्मी के साथ साथ चलता था और रात के वक्त अपनी अम्मी के साथ ही सो जाता था. When it was hot, जब गर्मियाँ होती थी, we used to stand by the pond in the shade of the trees. जब गर्मी होती थी तो हम जो है किनारे पर तालाब के एक दरख्त के साए में सो जाते थे. एंड वेन इट वॉज कोल्ड, जब सर्दी होती थी, वी हैड अ नाइस वार्म शेड नियर द ग्रोव, तो हमें दरख्तों के जो झुंड है उसके करीब हमारा एक घर था वहाँ हम रहते थे. एज सून आई वॉज ओल्ड इनफ टू ईट ग्रास, और जल्द ही मैं बड़ा हो गया और घास खाने लगा. माई मदर यूज टू गो आउट टू द वर्क इन द डे टाइम, तो मेरी अम्मी जो हैं वो दिन के टाइम काम के लिए जाती थी. एंड कम बैक इन द इवनिंग, और शाम के वक्त वापस आती थी. देयर वर सिक्स यंग कॉल्ड्स इन द मेडोज बिसाइड मी, और वहाँ पर छः घोड़े के छोटे छोटे बच्चे थे जो कि उस खेतों में रहते थे. दे वर ओल्डर देन आई वॉज, और वो मुझसे बड़े थे कि जितना मैं था. सम वर नियरली एज लार्ज एज ग्रोन अप हॉर्सेज, और कुछ हैं बहुत जल्दी घोड़े बन गए. आई यूज टू रन विद दैम, तो मैं उनके साथ भागने लग गया. एट हैंड ग्रेट
एंड हैड ग्रेट फन, और बहुत ज़्यादा मज़ा करता था। वी यूज टू ग्लॉप ऑल टूगेदर राउंड एंड डाउन द फील्ड एज हार्ड एज वी कुड गो, और हम गोल गोल घूमते थे एक दूसरे के गिर्द, खेत के गिर्द, और जितना हम घूम सकते थे। समटाइम्स वी हैड रादर रफ प्ले, और समटाइम्स जो है हार्ड एज हम कुछ टाइम जो थे वो रफ खेलते थे। दे फॉर दे वुड फ्रीक्वेंटली बाइट एंड किक एज वेल एज ग्लॉप, यानी कि हम रफ खेलते थे कि एक दूसरे को किक्स लगाते थे और चक लगाया करते थे। वन डे व्हेन देयर वाज अ गुड डील ऑफ किकिंग माय मदर वाइंड टू मी टू कम टू हर, एक दिन जब हमने किकिंग की, यानी कि एक दूसरे को किक करने की जब डील की, तो मेरी मदर ने मुझे आवाज़ लगाई। एंड देन शी सेड, और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा, आई विश यू टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू, कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम इस पर तवज्जो दो जो मैं तुमसे कहने लगी हूँ। द कॉट्स हु लिव हेयर आर वेरी गुड क्लॉट्स, यहाँ पर जो घोड़ों के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बट दे वर कार्ट हॉर्स कॉल्ट्स, लेकिन वो जो छकड़ों के साथ लगाए जाते हैं घोड़े वो हैं। एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्न मैनर्स, और वो इस तरह के तरीके नहीं सीखे हुए। यू हैव बीन वेल ब्रेड एंड वेल बॉर्न, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। एंड योर फादर हैज़ अ ग्रेट नेम इन दीज पार्ट्स, और तुम्हारे फादर का भी बहुत अच्छा नेम है इस जगह में। एंड योर ग्रैंड फादर वन द कप 2 years एट द न्यू मार्केट रेसिस, और तुम्हारे जो दादा हैं उन्होंने भी 2 साल कप जीता है न्यू मार्केट रेसिस में। योर ग्रैंड मदर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर ऑफ एनी हॉर्स आई एवर न्यू, और जो आपकी दादी हैं जो अपनी, और तुम्हारी दादी का भी बहुत अच्छा और नरम मिजाज था, और मैं भी उन्हें हमेशा से जानती हूँ। एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइट, और तुमने मेरे ख्याल से मुझे भी कभी किक करते किसी को या बाइट करते नहीं देखा। आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड, और मैं जो उम्मीद करती हूँ कि तुम भी ऐसे ही अच्छे और शरीफ रहोगे। एंड नेवर लर्न बैड वेज, और बुरे तरीके कभी नहीं सीखोगे। डू योर वर्क विद अ गुड विल, अपना काम बहुत अच्छे से और मेहनत के साथ करो। लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू टॉट एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्लेस, और तुमने कभी भी जो है अपना किसी को भी किक नहीं करना और ना ही ऐसा चक लगाना है, ना ही खेलते हुए, यानी कि उसे समझा रही है कि उसने खेलते हुए भी कभी इस तरह की हरकतें नहीं करनी। आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस, और मैंने अपनी अम्मी की जो नसीहत है वो कभी भी नहीं भूली। आई न्यू शी वॉज अ वाइज ओल्ड हॉर्स, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद एक ओल्ड हॉर्स थी। एंड आवर मास्टर टॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर, और इसी तरह हमारे मास्टर ने भी हमें अच्छी बातें सिखाई हैं। हर नेम वॉज डचेस, और जो हमारे मास्टर का नेम है वो डचेस है। बट ही ऑफन कॉल्ड हर पेट, लेकिन वो उन्हें अपना पेट कह के ही या पालतू जानवर कह के बुलाता है। और मास्टर वॉज अ गुड काइंड मैन, हमारा जो मास्टर है वो बहुत अच्छा आदमी है। ही गेव अस गुड फूड, वो हमें अच्छा खाना देता है। गुड लोडिंग एंड काइंड वर्ड्स, यानी कि बहुत उतना ही वेट हमें देता है जितना हम उठा सकते हैं। एंड काइंड वर्ड्स, और बहुत ज़्यादा नरमी के साथ बोलता है। ही स्पोक एज काइंडली टू अस ही डिड टू हिज लिटल चिल्ड्रन, वो हमसे ऐसे ही नरमी से बात करते हैं जैसे कि छोटे बच्चों से करते हैं। वी वर ऑल फाउंड ऑफ हिम, हम उन सब के, एंड माई मदर लव्ड हिम वेरी मच, हम सब उनसे और हमारी मदर भी उन सबसे प्यार करती हैं।